वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज आशीष और इस लेक्चर में हम एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम स्क्रोटम के वॉल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के जो लेयर्स होती हैं वही फर्दर कंटिन्यू हो जाती हैं स्क्रोटम की लेयर्स में या स्क्रोटम की वॉल्स की लेयर में। तो चलिए आइए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमें जानना चाहिए एब्डोमिनल वॉल के बारे में कि कौन कौन सी इसमें लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, फिर कितने लेयर है ये, ऐसी वॉल्स का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या है। तो और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की बात किया जाए, हम सुपरफिशियल से डीप की तरफ जाएंगे। सबसे सुपरफिशियल क्या है और सबसे डीपेस्ट क्या है, ऐसे लाइन वाइज सुपरफिशियल टू डीप। और एक हम डायग्राम देख लेंगे जिससे सारा आपको याद करने में आसानी हो। तो सबसे पहले आता है स्किन, आउटर मोस्ट स्किन, फिर आता है फेशिया, फिर आता है एक्चुअली फेशिया के दो लेयर्स हैं वो हम डायग्राम में डिस्कस कर लेंगे। तो स्किन, फेशिया, फिर होता है कौन सी मसल आती है, एक्सटर्नल ऑब्लिक, फिर आता है इंटरनल ऑब्लिक, फिर होता है ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस। तो स्किन, फेशिया, फेशिया के दो लेयर्स हैं आपको डिस्कस करेंगे डायग्राम में, और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस से पहले एक्सटर्नल ऑब्लिक और इंटरनल ऑब्लिक। और जो ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस से बाद आता है ट्रांसवर्सलिस फेशिया, ट्रांसवर्सलिस फेशिया, और इसके बाद आता है एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट, और सबसे लास्ट में आ जाता है पैराइटल पेरिटोनियम, पैराइटल पेरिटोनियम। तो ये है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल किस चीज़ से बनी होती है। सबसे सुपरफिशियल स्किन है और सबसे डीपेस्ट है पैराइटल पेरिटोनियम। तो ये कॉन्स्टेंट हो गए एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के। तो हम डायग्राम से इन सबको अच्छे से याद कर लेते हैं। तो ये जो डायग्राम है ये पूरा आपके सारे जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के डाउट होते हैं कि कौन सी लेयर पहले आती है बाद में, वो क्लियर कर सकती है। तो सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर देख रहे हैं आप ये वाली, ये है स्किन, और जो ये दोनों लेयर हैं ये टोटल है फेशिया। तो फेशिया को आपको दो लेयर दिख रही होगी, ये जो ब्लैंक है एक जो डॉटेड है। जो ब्लैंक वाली इसको बोलते हैं कैम्पर फेशिया, इसका नाम है कैम्पर फेशिया, और जो दूसरी लेयर है उसको बोलते हैं स्कार्पा फेशिया। तो आपको याद करना है जो फेशिया उसकी दो लेयर है, आउटर कैम्पर फेशिया, इनर स्कार्पा फेशिया। कैम्पर फेशिया को फैटी लेयर ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू भी बोलते हैं, और स्कार्पा फेशिया होती है मेम्ब्रेनस होती है, जिसे बोलते हैं मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ स्कार्पा फेशिया। तो स्किन, कैम्पर फेशिया, स्कार्पा फेशिया। अब आता है हमारा एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, फिर आएगा इंटरनल ऑब्लिक मसल, फिर आता है ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस, और जो ये है अपना ग्रीन से जो ये ट्रांसवर्सलिस फेशिया, ये है ट्रांसवर्सलिस फेशिया। इसको हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे ट्रांसवर्सलिस फेशिया के बारे में। और बिलो ट्रांसवर्सलिस फेशिया क्या प्रेजेंट होती है, हमारा एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट, ये हमारा एक्स्ट्रा पेरिटोनियल तो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल से बात की, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, ट्रांसवर्सलिस फेशिया और एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट, और सबसे जो इनर मोस्ट है वो है पेराइटल पेरिटोनियम, और अंदर सारे फिसरा हो जाएंगे, इसके नीचे सारे विसरा हो जाएंगे। तो ये था एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के जितने लेयर्स हैं वो सारे हमने डिस्कस किए, आउटर मोस्ट स्किन, कैम्पर फेशिया, स्कार्पा फेशिया, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्सलिस एब्डोमिनिस, ट्रांसवर्सलिस फेशिया, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट और पेराइटल पेरिटोनियम। और जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन होता है हमारा एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का, वो है स्क्रोटल सैक फॉर्मेशन, क्योंकि जो एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स होते हैं यही डेरिवेटिव्स बन जाते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड के और स्क्रोटल सैक के लेयर्स के। तो ये डायग्राम आपके स्क्रोटल सैक के फॉर्मेशन का है, साथ ही साथ हम इसके लेयर्स भी देखेंगे। ये वीडियो मस्ट वॉच इट, आपको एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल ऑफ द ह्यूमन बॉडी अच्छे से समझना है। तो
कंटीनम टूमन वॉल के हमने लेयर्स देखी हैं, और जो हमने जो लेयर्स देखी हैं वही स्क्रोटल सैक के फॉर्मेशन में मदद करेंगी। जो स्क्रोटल सैक स्क्रोटम की जो स्क्रोटल सैक है उसकी जो लेयर्स होंगी वॉल की, वो एंटीरियर टूमन वॉल्स की लेयर से ही फॉर्म्ड होंगी। जो डायग्राम में जो बनाया है ये स्क्रोटल सैक के फॉर्मेशन का है, जो ये अंदर पेरिटोनियम में पूरा एक गैप है और ये धीरे धीरे नीचे डिसेंड करेगा, इसे बोलते हैं वेजाइनल प्रोसेस ऑफ पेरिटोनियम। ये है वेजाइनल प्रोसेस। जो रेड में देख रही हैं यहाँ पे टेस्टिस है, और जो ग्रीन कलर से ये ग्यूबरनेकुलम है। ये क्या करता है, टेस्टिस को नीचे पुल करता है स्क्रोटल सैक में। ये है स्क्रोटल सैक, या फिर स्क्रोटल स्टार्टिंग में जो स्क्रोटल स्वेलिंग बोलते हैं, तो स्क्रोटल सैक या स्क्रोटल स्वेलिंग हम बोल सकते हैं। तो ये ग्यूबरनेकुलम टेस्टिस को नीचे पुल करेगा और ये धीरे धीरे नीचे आने लगेगा, साथ ही साथ जो वेजाइनल प्रोसेस है वो भी नीचे डिसेंड करेगा। तो वेजाइनल प्रोसेस नीचे आते आते जब पूरा टेस्टिस डिसेंड कर जाता है, तो वेजाइनल प्रोसेस के जो ऊपर के मार्जिन हैं ये अटैच हो जाते हैं और ये बंद हो जाता है। तो जो अपना वेजाइनल प्रोसेस है ये अब भी वो वेजाइनल प्रोसेस नहीं रह के, अब इसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस। ट्यूनिका, आपको डायग्राम दिखा दूँ, सॉरी, ट्यूनिका वेजाइनलिस। इसके साथ आप देखें कुछ मसल्स भी नीचे डिसेंड कर रहे हैं जो स्क्रोटल सैक की वॉल बनाएंगे, तो ये सब मसल्स भी यहाँ पर बना लेते हैं। मसल्स इसके साथ कुछ नीचे आएंगे, तो अब देख लेते हैं कौन कौन से मसल्स स्क्रोटल सैक के साथ नीचे आते हैं। तो सबसे पहले जो आउटर मोस्ट है वो है एक्सटर्नल ऑब्लिक। इसका क्या मॉडिफिकेशन होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में बस एक इंट्रोडक्शन है कि स्क्रोटल सैक की क्या क्या लेयर्स हैं। तो पहला जो है वो है एक्सटर्नल ऑब्लिक, दूसरा है जो है वो है इंटरनल ऑब्लिक। ट्रांसवर्सेस एब्डोमिनस जो है वो स्क्रोटल सैक की लेयर नहीं बनाता, यह बस यहीं बाहर तक रहता है, इसलिए ट्रांसवर्स एब्डोमिनस उसका वॉल नहीं बनाएगा। और ट्रांसवर्सलिस फेशिया भी मॉडिफाई हो जाती है स्क्रोटल सैक की फॉर्मेशन के लिए। ये अपना ट्यूनिका वेजाइनलिस था, जो वेजाइनल प्रोसेस क्लोज हो गया था, ये उसके एंड पॉइंट है। ये डक्टस डिफरेंस है और ये एपिडर्मिस इसलिए बस पोस्टीरियर सरफेस में ही होता है या फिर एक ही तरफ होता है, क्योंकि उससे आगे जो ब्लॉक करता है वो है ट्यूनिका वेजाइनलिस। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट वीडियो में सिंपल सा इसके लेयर्स का पूरा कंप्लीट डायग्राम देख लेंगे और उसको क्या बोलते हैं स्क्रोटल सैक की लेयर्स में और स्पर्मेटिक कॉर्ड के फॉर्मेशन में देख लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।